आखिर ब्लडलाइन को WWE क्यों फिनिश करना चाहती है? क्या रोमन आगे जाकर अकेले ही रह जाएंगे? तो गाइस आज स्मैकडाउन में ड्राफ्ट इवेंट भी था, उसमें पता चला कौन सा रेसलर किस ब्रांड में रहकर काम करेगा। और सबसे बड़ी शॉकिंग अपडेट ये मिली कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा को तो स्मैकडाउन में शिफ्ट किया गया, लेकिन दी उसोस उनके साथ नहीं है। और आज दी उसोस का केविन और सैमी ज़ेन के साथ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर मैच भी हुआ। इस मैच से पहले दी उसोस रिंग में आए, उन्होंने बताया ये मैच हम अपने ट्राइबल चीफ को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिस पर हमें केविन और सैमी ज़ेन की एंट्री देखने को मिलती है। और सैमी ज़ेन कहते हैं तुम्हें अजीब नहीं लगता कि पहले तुम रेसलमेनिया में हारे, अब रोमन के साथ तुम ड्राफ्ट में भी शामिल हुए, इसका मतलब ब्लडलाइन के तुम अब मेंबर भी नहीं रहे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को वार्निंग देते हैं और मैच स्टार्ट होता है। पॉल हेमन भी ट्राइबल चीफ का मैसेज दी उसोस को देते हैं, लेकिन इस मैच में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की जीत हो जाती है। मैच के लास्ट मोमेंट में दिखाया जाता है कि पॉल हेमन को रोमन का फोन आता है और वो बोलते हैं आज सोलो सिकोवा को खुला छोड़ दो, लेकिन जैसे ही सोलो इंटरफेयर करने आता है मैट रिडल उन्हें रोक देते हैं। तो गाइस अब सच में ब्लडलाइन फिनिश हो चुकी है, क्योंकि एक बार दी उसोस बिना टैग टीम चैंपियनशिप के रह सकते हैं, लेकिन जब उनको रोमन के साथ उनको ड्राफ्ट में ही नहीं रखा गया तो साफ हो जाता है कि अब उनको खुद करियर चलाना पड़ेगा, जिससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि उनको मेन इवेंट में मैच मिलना बंद हो जाएंगे। रोमन भी अब इतने सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि टीम मेंबर कम होने की वजह से उनपे ज्यादा अटैक हो सकते हैं। लेकिन एक बात है जो हमने नोटिस की, सोलो सिकोवा को रोमन से अलग नहीं किया जाता है, वो तो बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। रोमन ने दी उसोस के मैच में हेल्प भी भेजने की कोशिश की, लेकिन हमने बताया था पिछली वीडियोस में कि केविन और सैमी ज़ेन का पलड़ा भारी है। अब रोमन की एंट्री शायद नेक्स्ट फ्राइडे स्मैकडाउन में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया रोमन को अरीना में आए, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि उनका मैच कब देखने को मिलेगा, उनका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा। तो गाइस दी उसोस को रोमन के साथ नहीं रखा गया, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।